हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सुहाने। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। आज मैं आई हूँ एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ, जो कि बच्चों की मोस्ट फेवरेट है, जिसका नाम है न्यूटेला। क्या आप जानते हैं कि इस न्यूटेला में ऐसा क्या है जिसका टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है? चलिए मैं ही बता देती हूँ, वो है चॉकलेट। चॉकलेट फ्लेवर की कोई भी चीज हो, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। फिर इस न्यूटेला को तो हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं बच्चों के लिए, लाइक पैनकेक में, ब्रेड में, कुकीज में, और यहाँ तक कि मैं तो बच्चों को पराठे में लगाकर इसके रोल बनाकर भी दे देती हूँ। ये बच्चे बड़े ही शौक से खाते हैं। बच्चों की इंटरेस्ट की चीज है, हेल्दी है और टेस्टी भी, तो फिर क्यों ना इसे हम घर पर ही बनाएं। घर में बनाना बहुत ही इजी है और हमें पता है कि हमने इसमें क्या यूज किया है। मार्केट के न्यूटेला में क्या है क्या नहीं, ये किसे पता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी होममेड न्यूटेला की रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और 5 मिनट में ये न्यूटेला बनकर तैयार हो जाता है। मेनली इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है बादाम, हेजलनट्स, कोको पाउडर, चॉकलेट, और शक्कर की जगह मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मिश्री पाउडर और कोकोनट ऑयल। ये मैंने बादाम को और हेजलनट को रोस्ट कर लिया है। मिश्री शक्कर का हेल्दी वर्जन है, इसलिए हम यहाँ मिश्री यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ थोड़ी सी नॉर्मल चॉकलेट ली है, आप चाहें तो डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हेजलनट ना मिले तो आप इसकी जगह पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें रोस्टेड हेजलनट और रोस्टेड बादाम को ग्राइंड करेंगे। इसका हम एक फाइन पाउडर बनाएंगे। न्यूटेला बनाने के लिए मैंने मामरा बादाम यूज की है, आप चाहें तो नॉर्मल बादाम भी यूज कर सकते हैं, और हेजलनट की जगह आप पीनट्स भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में रोस्टेड हेजलनट्स मिल जाते हैं, अगर आपको रोस्टेड हेजलनट्स ना मिले तो जैसे कि हम घर में बादाम को रोस्ट करते हैं या पीनट्स को रोस्ट करते हैं, वैसे ही आप हेजलनट को रोस्ट कर लें, उनका छिलका निकाल दें, फिर ठंडा करके उन्हें पीसें। बादाम और हेजलनट को हमें एक साथ एकदम बारीक पाउडर होने तक पीसना है, और फिर उसे हम 2 मिनट और पीसेंगे जब तक कि ये अपना ऑयल रिलीज ना कर दे। ये देखिए यहाँ ये काफ़ी अच्छे पिस गए हैं और इन्होंने अपना ऑयल भी रिलीज कर दिया है। अब इस टाइम पर हम इसमें कोको पाउडर, मिश्री पाउडर और कोकोनट ऑयल डालकर एक बार फिर से ब्लेंड करेंगे। इसे हमें तब तक ब्लेंड करना है जब तक कि ये एकदम फाइन पेस्ट ना बन जाए। जब ये एकदम स्मूथ और फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट। ये देखिए ये अच्छा फाइन पेस्ट बन चुका है। अब इसमें हम चॉकलेट को हल्का सा मेल्ट करके ऐड करेंगे। मेल्टेड चॉकलेट अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी और इसमें मिक्स हो जाएगी। चॉकलेट का फ्लेवर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। फाइनली होममेड न्यूटेला इज डन। ये बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। इसे अब एक क्लीन और ड्राई जार में हमें भरकर रखना है। इसे एक एयरटाइट जार में स्टोर करके रखें, और जब भी यूज करना हो इसे निकालें, ब्रेड में लगाएं, पराठे में लगाएं, और चाहे तो चपाती में लगाकर भी आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। तो इसी तरह आप भी बनाएं टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज और यूज करें अपने लिए, बच्चों के लिए होममेड फूड। ईट हेल्दी, स्टे फिट। इफ यू लाइक दिस रेसिपी, सो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।